Hello student, welcome to the another video. In this video I will teach you what is biotic environment. In the previous video I had taught you about what is abiotic environment. So in this video I will teach you what is biotic environment. So in the very simple way you can say the biotic environment comprises the organic or living things in environment or called your biotic environment. So biotic environment are mainly the three spheres. First is your lithosphere, second is your hydrosphere, and third is your atmosphere. So these are the sphere make a biosphere. Jab ye teenon mil jate hain to kya banta hai, ek biosphere banta hai. एंड वॉट इज़ द बायोस्फीयर? बायोस्फीयर वो होता है जहाँ पर लाइफ सपोर्ट करता है. इट सपोर्ट द लाइफ. एंड यू कैन से ऑल्सो द बायोस्फीयर इज़ द होम ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म. एंड यू कैन ऑल्सो से कि एबायोटिक एंड बायोटिक इन्वायरमेंट मेक अ बायोस्फीयर. इट मेक अ बायोस्फीयर. ओके. सो अच्छा, इट इज़ स्प्रेड फ्रॉम द बॉटम ऑफ अ सी. एंड bottom of the sea near about 11,000 meter below from the sea level, and peak lofty mountain above near about 9,000 meter above the sea level. Okay student, जैसा मैंने कहा था कि biosphere is the home of all living organism. So इस living organism में कौन कौन आते हैं? producer, consumers and decomposers. And these three things are also interdependent on each other. ये सब एक दूसरे के ऊपर क्या होते हैं? इंटरडिपेंडेंट होते हैं. सो यू कैन अंडरस्टैंड बाय विद दिस फिगर. सो आई विल एक्सप्लेन दिस फिगर. सो इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रोड्यूसर, सो प्राइमरी प्रोड्यूसर हियर गिवन इज द प्राइमरी प्रोड्यूसर. हु ऑल आर द प्राइमरी प्रोड्यूसर? जो अपने ऊपर डिपेंड होते हैं. और किस? और ये सन, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड के प्रेजेंस में क्या करते हैं? अपने फूड को बनाते हैं. इन्हें हम बोलते हैं प्रोड्यूसर. इन्हें क्या बोलते हैं? प्रोड्यूसर बोलते हैं. जैसे हम लेते हैं प्लांट, ट्री, फ्लावर्स, ग्रास एंड ऐसे बहुत से छोटे छोटे चीज़ें जो अपने ऊपर डिपेंड होते हैं. राइट स्टूडेंट? सो इन्हें हम बोलते हैं प्राइमरी प्रोड्यूसर. और हम इन्हें अनदर वर्ड में भी जानते हैं, इसका नाम है ऑटोट्रॉप्स. जो अपने ऊपर डिपेंड होते हैं इन्हें बोलते हैं ऑटोट्रॉप्स, और इन्हें प्रोड्यूसर भी बोलते हैं. सो द नेक्स्ट थिंग इज़, जो इसको मैंने कहा था, कंज्यूमर्स. कंज्यूमर्स मेनली थ्री टाइप्स के होते हैं. ठीक है, मेनली थ्री टाइप्स के, ऐसा मानते हैं कि थ्री टाइप्स के कंज्यूमर होते हैं. पहला है आपका हर्बीवोरस, सेकंड आप बोलेंगे यू कैन से ओमनीवोरस, एंड थर्ड यू कैन से कार्निवोरस. सो ये थ्री टाइप्स के कंज्यूमर्स अवेलेबल होते हैं. तो इस फिगर के थ्रू वी विल अंडरस्टैंड कि ये कैसे एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं. क्योंकि मैंने एक स्टेटमेंट बोला था कि दीज ऑल प्रोड्यूसर, कंज्यूमर एंड डिकम्पोजर आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर. सो लेट्स सी, पहले हम इस फिगर को क्लियर करते हैं. सो प्राइमरी प्रोड्यूसर को हमने इस लेवल में रखा है. अब हम बात करेंगे सेकेंड, इसे बोलते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, आर यू कैन से द हर्बीवोरस. सो ये हर्बीवोरस क्या होते हैं? सो ये वो होते हैं जो, सो हर्बीवोरस क्या होते हैं? ये प्राइमरी प्रोड्यूसर के ऊपर क्या होते हैं? ये डिपेंड होते हैं. कैसे डिपेंड होते हैं बच्चे? क्योंकि ये जो जिसमें जो आते हैं, जैसे रैबिट और जो छोटे छोटे आते हैं, जो बर्ड्स आते हैं, कॉकरोचेस आते हैं, तो ये सब क्या होते हैं? डिपेंड होते हैं हमारे प्राइमरी प्रोड्यूसर के ऊपर. और हम इसे हर्बीवोरस या हम इसे क्या बोलते हैं? प्राइमरी कंज्यूमर ही बोलते हैं. अच्छा, इन्हें हम हर्बीवोरस क्यों बोलते हैं? हर्बीवोरस इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये वेजिटेरियन होते हैं और ये फ्लेश को नहीं खाते. दैट्स वाई दीज कंज्यूमर्स आर कॉल्ड हर्बीवोरस कंज्यूमर. राइट. सो ये किसके ऊपर डिपेंड होगा? प्राइमरी प्रोड्यूसर के ऊपर. ओके. सो आर द नेक्स्ट स्टेप इज कार्निवोरस, आर यू कैन सॉरी यू कैन से ओमनीवोरस. फर्स्ट ऑफ ऑल हम ओमनीवोरस की बात करेंगे. ठीक है, जिसे हम बोलते हैं सेकेंडरी कंज्यूमर भी. अब ये क्या होते हैं? ये इनके ऊपर डिपेंड होते हैं. किनके ऊपर? प्राइमरी कंज्यूमर के ऊपर.
ओमनीवोरस कौन किस टाइप के कंज्यूमर होते हैं? ये बोथ दोनों चीज़ों को क्या करते हैं, खाते हैं। जैसे दे कैन ईट फ्लैश एंड प्लांट बोथ, वो क्या करते हैं फ्लैश और प्लांट को दोनों को खाते हैं। मतलब वो क्या करेंगे, वो इनको भी खाएंगे और इनको भी खाएंगे, ये दोनों के ऊपर दोनों खाते हैं, तो ये दोनों के ऊपर डिपेंड होते हैं, राइट। सो इन्हें हम बोलते हैं ओमनीवोरस या सेकेंडरी कंज्यूमर। अब हम बात करेंगे जो सबसे टॉप पे है, इसे हम बोलते हैं थर्ड पोजीशन का, इसे हम बोलेंगे कंज्यूमर, इसे हम बोलते हैं टेरिटरी कंज्यूमर, इसे आप कह सकते हैं कॉर्नीवोरस। सो कॉर्नीवोरस इस टाइप के एनिमल्स होते हैं जो केवल और केवल डिपेंड होते हैं फ्लैश पे, मतलब या तो इसे खाएंगे या तो इसे खाएंगे, मतलब हमेशा फ्लैश पर डिपेंड होते हैं, वो कभी भी वेजिटेरियन नहीं होते, हमेशा फ्लैश को खाते हैं, मीट खाते हैं। सो इन्हें हम बोलते हैं टेरिटरी कंज्यूमर और या तो कॉर्निवोरस बोलते हैं। सो आई होप आप समझ गए होंगे कि कितने टाइप्स के आपके कंज्यूमर होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर क्या होता है, प्राइमरी प्रोड्यूसर क्या होता है। सो ये सब चीज़ें आप समझ गए होंगे। तो इस चीज़ को जिसको अभी हमने समझा, दीज ऑल थिंग्स दे ऑल आर इंटरडिपेंडेंट ऑन ईच अदर, इसे हम बोलते हैं फूड चेन। क्या बोलते हैं हम इसे, फूड चेन। सो हमने अभी हमने क्या बोला था कि वो क्या होते हैं, एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट होते हैं। सो हमने क्या क्या कर लिया, प्रोड्यूसर कर लिया, कंज्यूमर कर लिया, बट हियर द अनदर वर्ड इज़ रिमेन, दैट इज़ डीकम्पोजर्स। तो डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, ये वो होते हैं डीकम्पोजर्स आर ओके। सो इन द लास्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं भूल गया था एक चीज़ बताना कि कंज्यूमर, जैसे हम प्रोड्यूसर्स को ऑटोट्रॉप्स कहते हैं, उसी तरह कंज्यूमर्स को भी हम इसे हेटरोट्रॉप्स भी कहते हैं। ओके, तो हेटरोट्रॉप्स मैंने बता दी, सॉरी हेटरोट्रॉप्स आर, यू कैन से द कंज्यूमर थ्री टाइप्स के होते हैं, पहला हर्बीवोरस, सेकेंड इज़ कॉर्निवोरस एंड थर्ड इज़ ओमनीवोरस, जो मैंने बता दिया था। ओके, सो डीकम्पोजर्स आर ऑल्सो इंक्लूडेड द माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया। सो ये क्या करते हैं, दे ब्रेक डाउन द डेथ एनिमल्स, ये क्या करते हैं जो मरे हुए जानवर हैं उनको ब्रेक डाउन करेंगे, उनको ही ये क्या करते हैं अपना ये भोजन बनाते हैं, अपने लिए खाने के लिए बनाते हैं, और ये डिकम्पोज करते हैं, जैसे आप कह सकते हैं कि ये क्लीनर का काम करते हैं हमारे अर्थ पे, ये क्लीन करते हैं हमारे अर्थ को, जो मर जाते हैं एनिमल्स या जो प्लांट्स मर जाते हैं, जो डेथ हो जाते हैं उनकी, उनको ये क्या कहते हैं डिकम्पोज करते हैं। उसमें एग्जाम्पल है आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म में, जिसे आप बोलते हैं बैक्टीरियाज, बैक्टीरियाज क्या कहते हैं ब्रेक डाउन करते हैं डेथ एनिमल्स और प्लांट्स को। ओके, सो अभी हमने देखा कि जो वेरियस टाइप्स के जो ये कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स और डिकम्पोजर्स हैं, ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं, ठीक है, ये दोनों एक दूसरे के ऊपर क्या हैं, इंटरडिपेंडेंट हैं। अब मैंने एक चीज़ कहा था कि जब ये एक दूसरे के ऊपर इंटरडिपेंडेंट हैं तो ये क्या बनाते हैं, एक फूड चेन, ये बनाते हैं फूड चेन। सपोज बच्चों, अगर कोई भी ब्लॉक, इफ़ आई एम टॉकिंग अबाउट दिस ब्लॉक दिस ब्लॉक, अगर ये ब्लॉक या ये ब्लॉक कभी भी इफेक्ट हो जाए, या किसी भी बात की मैं कह रहा हूँ, मैं इसकी भी बात करूँ, फर्स्ट लास्ट किसी भी बात करें, कोई भी अगर एक ब्लॉक इफेक्ट हो जाए, और इससे क्या होगा, इससे होगा कि हम लोगों ने पहले ही देखा कि क्या है, दिस ऑल आर इंटरडिपेंडेंट, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, तो क्या होगा कि इनके जो फूड वेब है, जो इनका एक जाल है, जो इनका एक सर्कल है जिसके मोड पे ये चलते हैं, वो क्या हो जाएगा, इफेक्ट हो जाएगा, जिससे क्या होगा कि इनके आगे जो इनकी जो लाइफ है, वो आगे जितने लॉन्ग जर्नी होनी थी वो कम हो जाएगी, या इवन क्या होगा कि इनकी जो प्रजातियां हैं या जो इनकी नस्ल है, शायद वो भी धरती से गायब हो जाए, क्योंकि क्या होगा, ये जब नहीं खाएंगे तो ये क्या होगा, धीरे धीरे डेथ हो जाएगा और ये मर जाएंगे। सो फूड चेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, सो फूड चेन ब्रेक नहीं होना चाहिए। सो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा कि क्या होता है प्रोड्यूसर, प्रोड्यूसर को हम ऑल्सो क्या बोलते हैं, ऑटोट्रॉप्स, एंड कंज्यूमर्स को हम क्या बोलते हैं, हेटरोट्रॉप्स। और कंज्यूमर कितने टाइप्स के होते हैं, थ्री टाइप्स के। फर्स्ट आपको क्या है, हर्बीवोरस, सेकेंड इज़ कॉर्निवोरस, एंड थर्ड इज़ योर ओमनीवोरस। डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, जो ब्रेक डाउन करते हैं एनिमल्स और प्लांट की डेड बॉडीज को, इसे हम बोलते हैं डीकम्पोजर्स, जैसे हम बात करेंगे बैक्टीरिया। ओके, सो आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होंगी, फूड चेन क्या होता है, इफ़ेक्ट होने से क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, और भी कौन सी चीज़ें प्रॉब्लम होगी जिससे ह्यूमन बींग, जिससे हमें क्या, एनिमल्स
और जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनको क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या उनको नुकसान होगा। सो ओके स्टूडेंट, सो आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो विद अनदर टॉपिक, सो टेक केयर, आई विल मीट यू इन अनदर वीडियो, बाय बाय।